शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुनैना की मूर्ति? माँ, आप सुनैना की मूर्ति क्यों बना रही हैं? कहा था ना हमने कि सुनैना खुद आधी रात से कालस्त्र लाकर हमें दे देगी। अब हम तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो हम अग्निवंशियों के अलावा कोई नहीं जानता। पहाड़ों के बीचों बीच एक रहस्यमय स्थान है। अग्निशाला। वहां अग्निवंशियों ने काली शक्तियों से लड़ने के लिए कुछ दिव्य अस्त्र और पवित्र पुस्तकें छुपा कर रखी हैं। इन दिव्य शक्तियों को हम रक्षक शक्ति कहते हैं। रक्षक शक्ति? हाँ। अधिराज जब 25 वर्ष के हो जाएंगे तो उनमें ये रक्षक शक्ति जागृत होगी। तुम्हें अधिराज को वहां ले जाना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा ताकि वो अपनी शक्तियों को और हमारे वंश को पहचान सके, अंदर की बुरी शक्तियों से लड़ सके। उसे ले जाओगी ना बेटा? जी रानी माँ। आज्ञा दीजिए महानिशाकिनी। जा, जाकर उस सुनैना की जगह ले लो और अधिराज के अंदर बुराइयों को जागरूक करो। हमारा कालस्त्र हमें वापस ला कर दो। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें अधिराज में समाना होगा, उससे विवाह करना होगा ताकि उसकी आत्मा का मिलन तुम्हारी बुरी आत्मा के साथ हो सके। जा। जो आज्ञा महानिशाकिनी, पर उस सुनैना का क्या? उसकी चिंता मत करो, उसे हम तुम्हारे रास्ते का काटा नहीं बनने देंगे। अब कहाँ चली गई थी तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तू बस देखती जा कैसे तेरे पति को काली शक्तियों के अधीन करती हूं मैं। वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे अधिराज? कुछ काम था? हाँ, क्षमा मांगनी थी तुमसे। तुमने हमें कितने बार सच्चाई बताने की कोशिश की पर हमने नहीं मानी। सुने ना, हम उस डाकनी को अपनी माँ समझते थे, उनके प्रेम में अंधे हो गए थे। हम दोषी हैं तुम्हारे सुने ना, दंड के पात्र। तो
जो बीत गया वो कल था, और कल की बातों को लेकर पछताने से अच्छा है एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए उन बातों को याद करके दुखी मत हो अधिराज, और खास करके उस औरत के बारे में तो बिल्कुल नहीं। कैसे भूल जाए सुमित, उनका प्रेम, उनकी ममता, सब धोखा था, सब झूठ था, दिखावा था। मैं तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि बचपन से लेके आज तक उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारा उपयोग किया। कैसे कैसे भूल जाए। अधिराज, खुद को संभालिए अधिराज। हमने तुम्हें दुख पहुंचाया सुनैना। इसमें आपका कोई दोष नहीं है अधिराज। उस औरत ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन हम तो अपने हृदय की सुन सकते थे ना सुनैना, पर हमने क्या किया? जिसने हमेशा हमारा भला सोचा, हमारा साथ दिया, हमने उसी को कष्ट पहुंचा। अब कोई कष्ट और दुख के बारे में मत सोचिए अधिराज, इस सच्चे प्रेम के बारे में सोचिए, हमारे प्रेम के बारे में सोचिए। प्रेम? हमने तुम्हें हत्यारण कहा सुने, तुम्हें कारावास में डाल दिया, फिर भी तुम हमसे प्रेम करती हो। हम तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हैं सुनैना। जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ उसे। सुनैना, अब हम अपने जीवन का नया आरंभ करेंगे, जहां केवल खुशियां ही खुशियां होंगी, सच्चा प्रेम होगा बस। अब समय आ गया है कि हम अधिराज को उसकी शक्तियों से और हमारे वंश से परिचित करवाएं। अधिराज, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप करोगे? तुम जो चाहोगी वो सब करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। सुनैना, हमें बताओ तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और, फिर आप देखते। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर मैं उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचने की बात ही दे पाऊंगी अधिराज। सुनैना, अधिराज। सुनैना कहाँ हो तुम? अधिराज जी, अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ गया? सुनैना, अधिराज। सुनैना, सुनैना, तुम यहाँ पर हो? मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी। अब हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो और क्या दिखाने वाली हो। जो भी है आप उसे देखकर आश्चर्यित हो जाएगा। अधिराज के कक्ष में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, देखना। अधिराज आते ही होंगे मुझे ढूंढने। अच्छा, अधिराज तुम्हें क्यों ढूंढने लगा? क्योंकि तुम तो पहले से ही उसके पास हो ना।
सुने ना, हम आज तक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाए और तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। पसंद आया? बहुत। पता है सुने ना, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसी जीवन संगनी नहीं मिली। पिछले कुछ दिनों में हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कुछ खुशी के पल बिताएं। अजराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना। मैं अपने अधूरे वैवाहिक रिश्ते को पूरा करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? मेरी ये इच्छा पूरी करते ही तुम बुराई की तरफ बढ़ने लगोगे और महामहिम खुश हो जाएंगे। हमने कहा ना सुना, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। देखो, मैं फिर से कह रही हूं, तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे।